हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं हूं आपका रफ़ी सर और आज मैं बायो मॉलिक्यूल्स में आपको ट्रिक देने जा रहा हूं। तो बायो मॉलिक्यूल्स में जो कार्बोहाइड्रेट है, जिसका दूसरा नाम प्यार से हम सैकराइड भी बोल सकते हैं, उसमें नेमिंग हम कैसे करेंगे, डेट मीन्स डेक्स्ट्रो एंड लीवो डीएल नेमिंग कैसे करेंगे, उसकी ट्रिक मैं दूंगा। और उसके स्ट्रक्चर या नेम को कैसे याद रखेंगे, उसका भी मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूँ। तो ट्रिक में जाने से पहले हम अगेन ज्ञान की बात कर लेते हैं। तो ज्ञान की बात में सिंपल सा पॉइंट ये है कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट और सैकराइड, कि इट इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल। डैट मीन्स इसमें OH ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप में एंड एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होंगे, इसलिए ये पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होगा। और एक और कंडीशन है कि एटलीस्ट वन कायरल सेंटर होना चाहिए, कम से कम एक कायरल सेंटर होना चाहिए। डैट मीन्स एक कायरल सेंटर बनाने का मतलब इस कारण पे OH और H किया और एक कार्बोनिल कंपाउंड है। तो सपोज करो अगर मैंने ये ले लिया तो, और पॉलीहाइड्रोक्सी भी होना चाहिए, डैट मीन्स एक से ज़्यादा OH भी होना चाहिए। तो एक इधर मैंने CH2OH कर दिया, तो ये जो हमने बनाया ये क्या है, मेरा एक कार्बोहाइड्रेट है या एक सैकराइड है, या इसी का नाम शुगर भी बोल सकते हैं, ये मेरा एक शुगर भी है। और ये क्या ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो देखो यस पॉलीहाइड्रोक्सी, तो यस पॉलीहाइड्रोक्सी है, एक से ज़्यादा OH हो गए। कार्बोनिल कंपाउंड, यस कार्बोनिल कंपाउंड है। हैविंग एटलीस्ट वन कायरल सेंटर, यस कायरल सेंटर है, क्योंकि इस कार्बन पे चारों ग्रुप आपके क्या हैं, डिफरेंट है, इधर H है, इधर OH है, इधर एल्डिहाइड है और इधर CH2OH है, तो ये एक कायरल सेंटर है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट, अगर आपसे पूछे कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन होगा तो ये होगा, और इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरलडिहाइड, इसी को बोलते हैं ग्लिसरलडिहाइड। नाउ अपने जो सिलेबस में पढ़ना है, हमें जो अपने सिलेबस में पढ़ना है वो हेक्सोज, मतलब सिक्स कार्बन वाला पढ़ना है, इसलिए उसका जनरल फार्मूला क्या रहेगा, 6C6H12O6। ओके, सिक्स कार्बन वाला हमें पढ़ना है। अगर इस सिक्स कार्बन वाले में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको बोलेंगे अल्डोज, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको बोलेंगे कीटोज, जिसका वन ऑफ द एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो इसलिए वो हमारा अल्डोज हुआ। और फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसलिए वो हमारा कीटोज हुआ। तो हमें सिलेबस में सिक्स कार्बन वाला ही पढ़ना है, एक अल्डिहाइड वाला जिसका एक एग्जांपल है ग्लूकोज, एक कीटोन वाला जिसका एक एग्जांपल है फ्रक्टोज। तो नाउ अब हम बात करते हैं डीएल नेमिंग की ट्रिक्स की, एंड देन उसके बाद फिर स्ट्रक्चर एंड नेम के ट्रिक्स की, कि कैसे आप उसको याद रखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं ट्रिक नंबर वन की। तो ट्रिक नंबर वन जो है उसका स्लोगन ही है लॉल वर्ड, LOL। डैट मीन्स क्या है वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो डी मैं यूज करूँगा, डी का मतलब हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल यूज करूँगा तो लेवो रोटेटरी। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप डी या एल कब बोलेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा पॉइंट है कि आप अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप को टॉप पे रखेंगे। डैट मीन्स अगर टॉप टू बॉटम की बात करें तो आपको कहाँ पे रखना है, एट टॉप, किसको, अल्डिहाइड या फिर कीटोन फंक्शनल ग्रुप को टॉप पे रखना है। एंड देन उसके बाद आपको टॉप से अगर आप आ रहे हो तो लास्ट वाला कायरल सेंटर को चेक करना है, और अगर बॉटम से जा रहे हो तो फर्स्ट वाला कायरल सेंटर को चेक करना है। ध्यान दें, अगर आप टॉप से आ रहे हो तो लास्ट वाला कायरल सेंटर को, और बॉटम से पहले वाले कायरल सेंटर को चेक करना है कि कौन सी पोजिशन, OH की पोजीशन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन। टॉप से अगर आ रहे हो तो लास्ट वाले कार्बन पे, कायरल कार्बन पे, ध्यान दें कायरल कार्बन पे, और अगर बॉटम से जा रहे हो तो फर्स्ट वाले कायरल कार्बन पे OH की पोजीशन चेक करना है। अगर वो OH लेफ्ट में है, अगर वो OH लेफ्ट साइड में है तो फिर उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी। और इसलिए वहीं से हमने बनाया ये ट्रिक, इसका L ले लिया लेफ्ट, इसका O ले लिया OH, और इसका L ले लिया, तो लॉल वर्ड से याद रखेंगे LOL। ओके, ये एप्लीकेशन में आपके पास मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्डिहाइड जो मेरा ग्रुप है वो टॉप पे है, तो
टॉप से लास्ट कायरल कार्बन ये वाला है, लास्ट कायरल कार्बन पे जाना, या बॉटम से लास्ट कायरल कार्बन भी यही हो गया। और ये ध्यान दें कि इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन सेम है तो ये कायरल कार्बन नहीं है। तो इस पे क्या मैं, और इस पे किसकी पोजीशन चेक करनी है, OH की, किस साइड में आ रहा है वो, लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा L, लॉलवर्ट से। सिमिलरली इसमें देखो ध्यान से, आपका अल्डिहाइड या कीटोन टॉप पे है, लास्ट कायरल कार्बन पे जाना है, तो लास्ट कायरल कार्बन आपका ये है, ओके। ये कायरल सेंटर नहीं है, क्यों, क्योंकि इस पे दोनों हाइड्रोजन अगेन सेम है, तो ये है। या बॉटम से फर्स्ट कायरल सेंटर पे जाएंगे, और यहाँ पे OH की पोजीशन राइट में है, लेफ्ट में नहीं है, तो लेफ्ट में था तो लॉलवर्ट, तो राइट में है तो डी, तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन में। नाउ अगेन अगर तीसरे वाले में बात करें तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो गया, जो कि ऑलरेडी टॉप पे है, तो लास्ट कायरल आपका ये है, या बॉटम से फर्स्ट कायरल ये है, इस पे OH की पोजीशन अगेन लेफ्ट में है, तो लॉलवर्ट से लेफ्ट में ऑक्सीजन होगा तो L, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका L कॉन्फ़िगरेशन में। नाउ एग्जांपल नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप ध्यान से देखो, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नेमिंग नहीं कर सकते, ये नहीं कि आप ये वाले कायरल सेंटर को ले लिया, राइट, क्यों, क्योंकि आपका जो मैन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड वो टॉप पे नहीं है, बॉटम पे, तो आप इसको इंटरचेंज करना है विदाउट चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, गाड़ी के स्टेयरिंग की तरह आप इसको घुमा देना है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे करके आपको इसको पकड़ कर कैसे ऐसे घुमा देना है। तो देखो मैं 180 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ, तो इससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। तो जब आप ऐसे करेंगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, CHO आपका ऊपर आ जाएगा और CH2OH आपका नीचे आ जाएगा, और जो इधर के वाले हैं वो इधर आ जाएंगे और इधर वाले इधर आ जाएंगे, राइट। तो ध्यान से देखो, CHO जब ऊपर गया तो CHO वाले जो कार्बन थे, कायरल वाले टोटल चार हैं, CHO के पास वाले, तो OH इस साइड आ जाएगा, ध्यान दें, और H आपका इस साइड आ जाएगा, डैट मीन्स इंटर कन्वर्ट एक तरीके से कह सकते हो। फिर हमने ऐसे किया तो ये H आपका इस साइड आ गया और OH इस साइड आ गया। फिर अगर ध्यान से देखें तो अगर रोटेट करोगे आप तो ये OH आपका इस साइड आ जाएगा और H इस साइड आ जाएंगे, एंड अगर इसको किए थे तो आपका OH इस साइड आ जाएगा और H इस साइड। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नेमिंग मत करना, जस्ट उसको 180 से रोटेट कर लेना, नंबरिंग चाहो तो कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप देख सकते हो कि 2 वाले पे OH राइट में था और ये रोटेट करने की वजह से लेफ्ट में आ जाएंगे, तो 2 वाले पे OH लेफ्ट में आ गया। अब इसमें आपको टॉप से जा रहे हो तो लास्ट कायरल सेंटर पे, बॉटम से जा रहे हो तो फर्स्ट पे, OH लेफ्ट में है, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, L। तो आई होप ये वाला आपको DL नेमिंग ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की, डैट मीन्स एल्डोज के नेम और स्ट्रक्चर को कैसे याद रखेंगे। तो मैंने एक अल्डोज लिया है इन जनरल, अभी इसका क्या नाम है वो हम देख लेंगे, एक अल्डोज लिया क्योंकि अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो आप इसमें ध्यान से देखो तो टोटल चार कायरल कार्बन है, ये वाले 1, 2, 3, 4 जिसको मैंने सर्कल किया। तो आप ही सोचो अगर चार कायरल कार्बन है तो नंबर ऑफ आइसोमर इसके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ आइसोमर 2 की पावर 4, चार कायरल सेंटर है तो 16, डैट मीन्स इसके टोटल 16 आइसोमर बनेंगे। तो ये 16 आइसोमर के स्ट्रक्चर हम कैसे याद रखेंगे और नेम कैसे याद रखेंगे, उसके लिए रफ़ी सर आपको देने जा रहे हैं ट्रिक। तो 16 में आपको मालूम है कि 16 में 8 तो क्या होगा, डी कॉन्फ़िगरेशन में होगा, और 8 जो होंगे वो एल कॉन्फ़िगरेशन में होंगे। डैट मीन्स अगर ये कोई अल्डोज है तो ये खुद एक है और एक इसका आप क्या करेंगे, मिरर इमेज बनाएंगे, एक इसका क्या करेंगे, मिरर इमेज बनाएंगे। तो मिरर इमेज कैसा दिखेगा, कुछ नहीं करना आपको, जस्ट आईने के पास में जो चीज़ें वही रखना है, डैट मीन्स कन्वर्ट कर देना है। तो OH H हो जाएगा, यहाँ पे OH पास में है तो OH पास में रखो, यहाँ पे भी OH आपका पास में है तो ये रखो, यहाँ पे भी OH पास में है तो ये रखो, और CH2OH। तो जैसे अगर हम देखें तो ये किस कॉन्फ़िगरेशन में है, तो टॉप से लास्ट कायरल सेंटर पे, या बॉटम से फर्स्ट पे जाएंगे और OH राइट में है तो ये आपका डी कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, देख सकते हो
टॉप से लास्ट पे गए या बॉटम से फर्स्ट पे OH लेफ्ट में, तो ये L कॉन्फ़िगरेशन हो गए। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए, इसलिए हमने बात किया है कि आपके पास 8D कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे और 8L। तो मैं 8D वाले को कैसे याद रखेंगे, 8D वाले को कैसे याद रखेंगे उसके बारे में ट्रिक देने जा रहा हूँ। क्योंकि D वाला याद हो गया तो जस्ट इस तरीके से आप मिरर इमेज ले लेंगे तो L वाला आ जाएगा। तो मेरी बात क्लियर है? तो मैं 8D वाले को कैसे याद रखेंगे उसके बारे में बात करता हूँ। तो चलिए मैं 8D वाले कॉन्फ़िगरेशन को कैसे याद रखेंगे उसके बारे में बात करता हूँ। तो जैसे मैंने ये अगेन एक अल्डोज लिया हुआ है और अभी ये D कॉन्फ़िगरेशन में, क्यों? क्योंकि लास्ट वाला कार्य सेंटर या बॉटम से फर्स्ट वाला राइट साइड में OH है, तो ये D कॉन्फ़िगरेशन में। तो ध्यान दो, मैं एक वर्ड लिखा हूँ ईपी मर, ये कभी कभी पूछा जाता भी है और वेरी सिंपल है। ईपी मर का मतलब क्या है कि जो कॉन्फ़िगरेशन आपका है सब जगह वही रहेगा, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे चेंज करना है। ये 1 हो गया कार्बन नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अगर सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 पे आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो फिर हम इस दोनों के रिलेशन को क्या बोलेंगे, ईपी मर। जैसे इसका ईपी मर में बनाओ तो कैसा हो जाएगा, CHO, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे चेंज करना है, 2 पे इधर OH राइट में, तो इधर क्या कर देना, लेफ्ट में, सिर्फ 2 पे चेंज करना है, ध्यान दे, बाकी सब वैसे ही रहने देना है, बाकी पे कहीं पे कोई चेंज नहीं। अगर सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे आपने चेंज कर दिया तो ये दोनों में क्या रिलेशन हो गया, इन दोनों को एक दूसरे का EPMR बोलेंगे। तो वॉट इज EPMR? तो जब जो कॉन्फ़िगरेशन गिवन है उस कॉन्फ़िगरेशन को किसी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करो और सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे चेंज आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर ऐसे को हम बोलेंगे EPMR। और EPMR एक्चुअली में क्या हो गए, ध्यान से देखो, तो ना तो ये मिरर इमेज है ना ही ये सुपर इम्पोजिबल है, तो ये क्या हो गए, डायास्टीरियोमर। तो ये डायास्टीरियोमर होते हैं। तो उसी EPMR के कंसेप्ट से हमने 8 आपको जो डी कॉन्फ़िगरेशन वाले, ये सारे के सारे डी कॉन्फ़िगरेशन वालों के नेम और कैसे हम स्ट्रक्चर याद रखेंगे अभी ड्रॉ करके बताऊंगा। तो नेम में मैंने इसी ऑर्डर में लिखा है ताकि ट्रिक का पॉइंट अपना वर्क करे। तो एक होता है एलोज, उसका EPMR है एल्ट्रोज। दूसरा होता है ग्लूकोज, उसका EPMR है मैनोज। तीसरा है गुलोज, उसका EPMR है आइडोज। चौथा है गैलेक्टोज और उसका EPMR है टैलोज। तो ये टोटल 8D कॉन्फ़िगरेशन वाले हो गए। याद कैसे रखेंगे, तो देखो मैंने सबका फर्स्ट लेटर लिया तो क्या हो गया, AG गूगल, AG गूगल। और गूगल किसको कहने करने को कर रहे हो, तो अमित को बोल रहे हो, अमित को हम क्या बोल रहे हैं, AG गूगल। तो A मतलब यहाँ पे एलोज, उसका EPMR एल्ट्रोज। तो AG गूगल अमित, इस वर्ड से इजीली याद रख सकते हैं। तो आपको जो 8D वाले हैं वो हमने याद करा दिया। और क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए कि गुलोज का EPMR कौन है, तो वो भी आप याद रख सकते हो, गुलोज का आइडोज आपको इजीली हो जाएगा, तो EPMR भी पूछा जाए। नाउ अब हम बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को, तो अगेन हम एलोज, ग्लूकोज, गुलोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बना लेंगे और क्या करेंगे, जस्ट कार्बन नंबर 2 पे चेंज कर देंगे, तो इन सब का आ जाएगा। और चूंकि इस पॉइंट पे ध्यान देना है, चूंकि हम सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ 2 पे चेंज होगा, और चूंकि हम डी की बात कर रहे हैं तो आपका लास्ट कार्बन पे जो OH होगा वो राइट साइड में होना चाहिए, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लास्ट कायरल कार्बन पे OH राइट में होना चाहिए, तो इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सारे डी फॉर्म की बात कर रहे हैं और सिर्फ चेंज कहाँ पे करना है आपको, कार्बन नंबर 2 पे। चलिए अब हम स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने आपको बताया था AG गूगल, तो ये ध्यान से देखो, ये सारे डी कॉन्फ़िगरेशन में, क्यों? क्योंकि लास्ट कायरल सेंटर पे जो OH है वो आपका राइट में है, तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे भी लास्ट कायरल कार्बन पे जो OH है वो राइट में है, तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे भी जो लास्ट कायरल कार्बन है उस पे OH राइट में है, तो डी कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे भी आपका जो लास्ट कायरल सेंटर है टॉप से और बॉटम से फर्स्ट, वो राइट में है, तो ये भी आपका डी है। तो ये सारे मैंने डी वाले 4 लिखे।
और कौन कौन है, एलोज, ग्लूकोज, गुलोज, गैलेक्टोज, ए जी गूगल वाला। अब इसका अमित बनाना हो तो वो भी ईजी है। पहले समझो कि मैंने इसको ऐसे क्यों ड्रॉ किया है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। मैंने फर्स्ट केस में क्या किया, एलोज वाले में अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है, फर्स्ट केस में हमने क्या किया, सारे ओ एच को राइट साइड में रखा, ध्यान से देखो सारे ओ एच को राइट साइड में। उसके बाद जब इससे मैं ए ए स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो हमारे पास कंडीशन है कि मैं कार्बन नंबर टू पे चेंज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो ई पी मर आ जाएगा, वो अभी हम बनाने वाले हैं। और कार्बन नंबर लास्ट कायरल सेंटर पे भी चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये डी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कहाँ कहाँ पे चेंज नहीं कर पाऊँगा, एक कार्बन नंबर टू पे, क्यों, क्योंकि वो ई पी मर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर चेंज कर दूंगा, वन टू ये टू पे, थ्री फोर फाइव एंड ये कार्बन नंबर सिक्स, तो टू पे मैं अभी चेंज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसका ईपीमर बनाना है। और एक फाइव पे हम चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमको सबको डी रखना है, तो ये चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज कहाँ पे हो सकता है तुम ही बताओ, चेंज आपका सिर्फ थ्री फोर पे हो सकता है। तो इसलिए पहले केस में हमने सिर्फ कार्बन नंबर थ्री पे चेंज किया, आप ध्यान से देखो सिर्फ कार्बन नंबर थ्री पे। इससे और इसमें कंपेयर करोगे तो ये ओएच वैसे रहेगा, सिर्फ थ्री पे हमने चेंज किया, बाकी को सेम रखा। तो थ्री पे सिर्फ अगर चेंज करेंगे, सिर्फ थ्री पे चेंज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज। तो इसलिए अब आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी इजीली याद हो जाएगा कि सारे ओएच राइट साइड में है तो एलोज है, सिर्फ थ्री पे चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा ग्लूकोज। थ्री के बाद हम किस पे चेंज कर सकते हैं, फोर पे। तो अगर मैंने फोर पे सिर्फ चेंज किया तो वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, सिर्फ फोर पे चेंज किया तो ग्लूकोज। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने क्या किया, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो थ्री फोर दोनों पे चेंज कर दिया, इसमें थ्री फोर दोनों पे एच ओ एच की पोजीशन को चेंज कर दिया, तो क्या आ गया मेरे पास, गैलेक्टोज। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे सारे को राइट साइड में रखा, फिर थ्री पे चेंज किया, फिर फोर पे, फिर थ्री फोर दोनों पे। अब इसका ईपीमर बनाना बहुत ईजी है, सिर्फ कहाँ पे चेंज करना है, कार्बन नंबर टू पे। तो आप बाकी चीज़ को वैसे ही रहने दें, कार्बन नंबर टू पे आपको चेंज करना है, डेट्स इट। तो कार्बन नंबर टू पे OH उधर राइट में था, लेफ्ट में कर दिया हेच, बाकी चीज़ को वैसे ही रहने देना, आपको उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये जो बन गया एलोज का वो क्या बन गया, अल्ट्रोज, ईपीमर एलोज का अल्ट्रोज। सिमिलरली अगर इसका बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कार्बन नंबर टू पे चेंज करना है, बाकी छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, राइट। तो वन टू पे ये ओ एच इस साइड में आ जाएंगे और ये एच ई, और उसके बाद जो जैसे वैसे ही रहने देना है। तो ये आपने कर दिया, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, अमित मतलब ये मैनोज बन करके आपका तैयार हो चुका है। सिमिलरली अगर इसमें बात करें तो आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ कार्बन नंबर टू पे करना है, टू पे करना है तो ये ओ एच इधर और एच इधर, बाकी जो जैसे है वैसे ही रहने देना है। तो ये आपका क्या बन के तैयार हो गया, अमित में आई तो आई डोज। और सिमिलरली इसमें भी कार्बन नंबर टू पे चेंज करना है आपको, तो ये सी एच ओ सी एच टू ओ एच, कार्बन नंबर टू पे कर दो तो ये ओ एच इधर हो गया और एच इधर, बाकी जो जैसे है वैसे ही रहने देना है। तो आप ध्यान से देखो ये क्या आ गया आपका, टैलोज। तो आप ध्यान से देखो तो सब में लास्ट कायरल कार्बन पे ओ एच अगेन आपका कहाँ पे है, राइट में। तो ये सब के सब कौन से हैं, डी वाले हैं आपके, ये सब के सब आपके कौन से हैं, डी वाले हैं। तो ये टोटल 8D बोर्ड पे मैंने प्रेजेंट कर दिया है, याद रखना भी इजी है और स्ट्रक्चर भी इजी है। याद कैसे रखेंगे, ए जी गूगल ए एम आई टी अमित, ये वर्ड से याद रख लेंगे। और कैसे किया, मैंने सारे ओएच को राइट में रखा, फिर थ्री पे चेंज किया क्योंकि टू फाइव पे तो आपको अलाउ ही नहीं है, और फिर फोर पे चेंज किया, फिर थ्री फोर दोनों पे एक साथ चेंज कर दिया, तो ए जी गूगल वाले याद हो गए। सिर्फ कार्बन नंबर टू पे जो बना रखा आपने, सिर्फ कार्बन नंबर टू पे चेंज करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे तो ईपीमर हो गया, तो इसलिए एलोज का ईपीमर अल्ट्रोज एंड सो ऑन। तो आई होप ये मेरा डीएल नेमिंग की ट्रिक और ये 8D कॉन्फ़िगरेशन वाले अल्डोज उसके स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे आपको क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके कन्वर्जन की कि फिशर, ये जो मैंने बनाया ये फिशर प्रोजेक्शन है, इससे हावर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे उसके लिए मैं ट्रिक दूंगा। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और इसी तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू।